हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 5.2 चल रही है और उसी क्वेश्चन नंबर 9th तक आपको करवा दिए थे। आज हम कर रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्टिंग। देखो बेटा, कहते हैं फाइंड द एडिड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। क्या पूछ रहे हैं आपसे? कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछ रहे हैं। देखो बेटा, एक तो आइडेंटिटी वर्ड हम पढ़ते हैं, पीछे पढ़ा भी है थोड़ा सा, आपको बताया भी था। जैसे हमारे पास 5 है, ठीक है। अगर 5 की एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी का काम वही करता है जो इस 5 पे इफेक्ट ना करे और जिसको हम यहाँ पर ऐड करें, तो वो नंबर कौन होगा? 0। सभी नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है ना, वो क्या होती है? 0 होती है। फिर आता है एडिटिव इनवर्स। अगर आपसे यूँ कहा जाए कि 5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो 5 के एडिटिव इनवर्स का काम वो करेगा जो 5 को एडिशन की आइडेंटिटी 0 तक पहुंचाएगा। तो वो कौन पहुंचाएगा? -5। यानी कि किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो उस नंबर का ही क्या कर दो? नेगेटिव। वो उसके एडिटिव इनवर्स का काम करेगा। अब चाहे नंबर रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। देखो, अब इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट में मैं यूँ कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जेड नाम दे दिया, माइनस में 3 प्लस में 4 आयोटा, हमें इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि सिंपल फॉर्म में है या नहीं है। हम ये देख सकें कि भाई रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, तो जब हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे, तो क्या करो, जेड का एडिटिव इनवर्स माइनस जेड होगा। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कर देंगे तो जो टर्म नेगेटिव है वो तो हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव है वो हो जाएगी नेगेटिव। तो -3 प्लस 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 3 माइनस 4 आयोटा। सेकंड पार्ट देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया आपको 3 प्लस में 5 आयोटा का होल स्क्वायर। यूँ कह रहा है इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो बेटा एडिटिव इनवर्स बाद में निकालेंगे, पहले हम स्क्वायर खोलेंगे। देखो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 25 आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर से साइन कैसा हो जाएगा? माइनस का। प्लस में 2ab लिखेंगे तो ये आ गया 30 आयोटा। माइनस का 25 और प्लस का हमारे पास 9 है, तो माइनस का कितना आ गया? 16 प्लस में 30 आयोटा। और अब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, तो इसका एडिटिव इनवर्स 16 माइनस में 30 आयोटा आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आयोटा बी है, तो ए प्लस आयोटा बी का एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस आयोटा बी होगा। लेकिन पहला रूल क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल फॉर्म में क्या करो? कन्वर्ट करो। जैसे इसका थर्ड पार्ट क्या दे रहा है? आयोटा दे दिया, मल्टीप्लाई में अंडर द रूट -9 दे दिया, और प्लस में दे दिया 5 आयोटा। पहले हम यहाँ इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखो, ये आयोटा तो है ही, -9 का रूट आएगा 3 आयोटा, 3 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर क्या होता है? -1। प्लस में क्या आ गया? 5 आयोटा। और अब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा? 5 आयोटा। फिर देखो बेटा, इसका लास्ट पार्ट ये दे रहा है 3 माइनस में अंडर द रूट -16 अपोन में 2 माइनस में अंडर द रूट -9। पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो, यहाँ से 3 माइनस -16 का रूट क्या होगा? 4 आयोटा। नीचे 2 माइनस में क्या आएगा? 3 आयोटा। और अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। तो 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड, और अब इसको सोल्व कर दो। ऊपर मल्टीप्लाई की तो कितना आया? 6। प्लस में आएगा 9 आयोटा, माइनस में आएगा 8 आयोटा, माइनस में 12 आयोटा स्क्वेयर, तो किसका हो जाएगा? प्लस का। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वेयर 4, माइनस 3 आयोटा स्क्वेयर आएगा, तो 9, और आयोटा स्क्वेयर से क्या बनेगा? प्लस। यहाँ देखो, प्लस का 12 और प्लस का 6 18, प्लस में आयोटा 13, इसके नीचे भी लिख दो और 13 इसके नीचे भी लिख दो। अब तक हमने सिर्फ इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, अब इसका क्या निकालेंगे? एडिटिव इनवर्स। तो वो क्या आएगा? -18 अपोन में 13 माइनस आयोटा अपोन में 13, ये हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। फिर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11।
टिक कर रहे हैं ना 10th क्वेश्चन, और ध्यान रखना कि एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब आते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखो जैसे हमने 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या पढ़ा था, 5 पहले आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। 5 की एडिटिव आइडेंटिटी तो क्या थी, 0, और 5 का एडिटिव इन्वर्स था -5, जो उसको एडिशन की आइडेंटिटी कहाँ तक पहुँचाता है, 0 तक। अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव की। अगर हम 5 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालें, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 5 ही आए, किससे, 1 से। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो 5 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का काम वही करेगा जो उसको मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी कहाँ तक पहुँचाएगा, 1 तक। तो 5 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का काम करेगा 1/5। अगर एडिटिव तो पूछा जाए तो जिस नंबर का पूछा जा रहा है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल करके क्या कर दो, सोल्व कर दो। जैसे जेड हमने ए प्लस आयोटा बी ले लिया, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जाता है तो 1/z होगा, यानी कि 1/a प्लस आयोटा बी होगा। लेकिन आप इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते, आपको ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में से आयोटा हटाना पड़ेगा। तो हमने a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर दिया और a माइनस आयोटा बी से डिवाइड किया, तो यहाँ ऊपर आ गया a माइनस आयोटा बी, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस आएगा, लेकिन आयोटा स्क्वेयर से वो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। उसके बाद रियल पार्ट को अलग से लिख दो, a अपॉन में a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस बी अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर और साथ में आयोटा। ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब रही बात, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको सिखा रखा है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करके क्या कर दो, सोल्व कर दो। जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में यूँ कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस में 2 आयोटा है, अगर इसका एडिटिव इन्वर्स तो पूछेगा तो -3 -2 आयोटा होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जा रहा है तो 1/3 प्लस 2 आयोटा। लेकिन जो बच्चा इसको यहीं पे छोड़ेगा उसको नंबर नहीं मिलेंगे, आप डिनोमिनेटर की आयोटा को हटाओ, सोल्व करो, रैशनलाइजेशन करके हम यहाँ से सोल्व करेंगे, और उसके बाद जो आएगा ना रियल पार्ट अलग से, इमेजरी पार्ट अलग से, वो किसका काम करेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। देखो बेटा इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिंपल पार्ट हैं, फोर्थ सुनो। फोर्थ में लिख रहा है 4 माइनस अंडर द रूट -9। तो पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 माइनस, अब -9 का रूट क्या आएगा बेटा, 3 आयोटा, और अब इसका मल्टीप्लिकेट इन्वर्स निकालेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल करके क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। फिर देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दे रहा है कि 6 प्लस में 5 आयोटा का स्क्वेयर है और इसका मल्टीप्लिकेट इन्वर्स पूछा जा रहा है, तो पहले स्क्वेयर खोल लेंगे, जितना पॉसिबल है सोल्व करेंगे, और उसके बाद उसको रेसिप्रोकल करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 6 में भी एजिटिव स्क्वेयर है। सेवन्थ पार्ट दे दिया, जैसे 3 प्लस में 4 आयोटा है अपॉन में 4 माइनस 5 आयोटा है। देखो इसका मल्टीप्लिकेट इन्वर्स पूछ रहा है, या तो पहले आप रेसलेशन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो फिर रेसिप्रोकल कर दो, लेकिन दोबारा से रेसिप्रोकल करोगे ना तो आपको दोबारा से रेसलेशन करना पड़ेगा, यानी कि इस फॉर्म में अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसका मल्टीप्लिकेट इन्वर्स पहले लिख दो, यानी कि रेसिप्रोकल पहले कर दो। यूँ कह सकते हैं रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेट इन्वर्स का दूसरा नाम है। इसका मल्टीप्लिकेट इन्वर्स ये है, और अब इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो, 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 4 आयोटा से डिवाइड। नेक्स्ट देखो बेटा इसका लास्ट पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आपसे क्या कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। देखो पहले हम ऊपर मल्टीप्लाई करें फिर रेसलेशन करें, इससे अच्छा हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सीधा लिख लेते हैं, तो 5 प्लस आयोटा तो आपको ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारे पास आयोटा, यहाँ से 2 प्लस 3 आयोटा, ये 3 प्लस 2 आयोटा, और अब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये जो आएगा डायरेक्ट ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा। देखो 5 प्लस आयोटा तो एज इट इज, इस आयोटा को हमने एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई करो ये आएगा 6 प्लस में 4 आयोटा प्लस में 9 आयोटा और प्लस में 6 आयोटा स्क्वेयर, तो वो हो जाएगा आपका माइनस का। यहाँ से देखो 5 प्लस आयोटा हमने न्यूमिनेटर एज इट इज लिख दिया, -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, 13 आयोटा, एक बाहर आयोटा है
तो 13 आयोटा स्क्वेयर होगा और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है माइनस वन, यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस फाइव बाई थर्टीन, माइनस वन बाई थर्टीन आयोटा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल पहले कर दिया और उसको सोल्व बाद में कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 को टिक कर रहे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है ए दे दिया उसने 3 प्लस में 2 आयोटा, बी की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस में 2 आयोटा। कहता है शो दैट ए स्क्वेयर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए। जो हमें शो करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में गए और ए और बी की वैल्यू रख रहे हैं। देखो बेटा, ए की जगह 3 प्लस में 2 आयोटा रख दिया उसका स्क्वेयर, प्लस में ए हमारा 3 प्लस में 2 आयोटा, बी हमारा 3 माइनस में 2 आयोटा, प्लस में बी स्क्वेयर ने तो 3 माइनस में 2 आयोटा का होल स्क्वेयर, और इसको सोल्व कर लो। खोलो बेटा स्क्वेयर, ये आएगा 9 प्लस में 2 आयोटा स्क्वेयर, यानी कि वो 4 आ जाएगा माइनस का, और प्लस में 2 ए भी लेंगे तो 12 आयोटा, प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9 माइनस में 4 आयोटा स्क्वेयर बनेगा, आयोटा स्क्वेयर उस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। प्लस में ये भी खोलो तो ये आएगा 9 माइनस में आ जाएगा 4 और माइनस में आएगा 12 आयोटा। देखो प्लस 12 आयोटा माइनस 12 आयोटा कैंसिल हो गया, माइनस 4 प्लस 4 सोल्व कर लो, ये हमारे पास 27 और 27 माइनस में 4 कितना आ गया, 23। तो हमने शो दैट के रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और उसको राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, इसे भी टिक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या जरा देखो, x प्लस वन प्लस आयोटा, x प्लस वन माइनस आयोटा, x माइनस वन प्लस आयोटा और x माइनस वन माइनस आयोटा किसके इक्वल प्रूव करना है, x की पावर 4 प्लस में 4 के। देखो यहाँ से मैंने ये दोनों टर्म इकट्ठी ले ली और ये दोनों इकट्ठी, या तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर देना, टर्म्स कैंसिल होकर आपकी राइट साइड आ जाएगी। अगर आइडेंटिटी यूज करना चाहो तो सुनो, देखो बेटा अगर हम इसको ए कहें और इसको बी कहें तो पहली दो टर्म में आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर यानी कि एक्स प्लस वन का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि आयोटा स्क्वेयर है। उसके बाद यहाँ देखो, अगर हम इसको ए कहें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर यानी कि एक्स माइनस वन का स्क्वेयर और माइनस में क्या आएगा, आयोटा स्क्वेयर। करो सोल्व, ये स्क्वेयर खोल रही हूँ मैं तो एक्स स्क्वेयर प्लस में वन प्लस में टू एक्स और आयोटा स्क्वेयर, तो फिर माइनस माइनस फिर से क्या आएगा, प्लस। यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस में वन माइनस में टू एक्स और प्लस में वन आ जाएगा। देखो बेटा मैंने लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस में टू और प्लस में टू एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस में टू और माइनस में टू एक्स, या तो यहाँ ला के आप मल्टीप्लाई कर लेना, या यहाँ पर दोबारा से आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस टू का होल स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, तो टू एक्स का स्क्वेयर क्या आएगा, फोर एक्स स्क्वेयर, और इस स्क्वेयर को खोल लो तो एक्स की पावर फोर प्लस में फोर प्लस में आएगा फोर एक्स स्क्वेयर और ये माइनस में फोर एक्स स्क्वेयर, तो ये कैंसिल हो गया। हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे थे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो इसमें 14th और 15th क्वेश्चन, एक बार आप छोड़ दो, हम अगली एक्सरसाइज में एक टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्जुगेट का, उसकी हेल्प से करेंगे, उसकी हेल्प से करेंगे तो बिल्कुल दो लाइन का क्वेश्चन है, अगर कॉन्जुगेट पढ़े भी ना करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए 14th 15th अगली एक्सरसाइज करेंगे ना उसके साथ करेंगे, बाकी टिक कर लेना, क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहते हैं ध्यान से सुनो, कहते हैं प्रूव दैट इफ जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू सी, जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू सी का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक जेड वन और एक जेड टू। कहते हैं प्रूव करो रियल ऑफ आर, यानी कि रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट है, जेड वन इंटू जेड टू का, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई से भी हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो कहते हैं जेड वन इंटू जेड टू का जो रियल पार्ट है ना उसको किसके इक्वल प्रूव करना है,
रियल ऑफ जेड वन इंटू में रियल ऑफ जेड टू माइनस में इमेजनरी ऑफ जेड वन इंटू में इमेजनरी ऑफ ए जेड टू। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा है इमेजनरी ऑफ जेड वन जेड टू। प्रोडक्ट का इमेजनरी पार्ट जो है वो हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, रियल ऑफ जेड वन इंटू में इमेजनरी ऑफ जेड टू प्लस में इमेजनरी ऑफ ए जेड वन इंटू में रियल ऑफ ए जेड टू। ठीक है, देखो पहले तो कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, हम लेट कर लेते हैं। जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया ए प्लस में आयोटा बी, और जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया सी प्लस में आयोटा डी। अगर आपसे यूँ कहा जाए कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन लिखो, रियल पार्ट ऑफ जेड वन, तो जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, ए। अगर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन लिखना हो तो जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी पार्ट क्या है, बी। अगर हम यहाँ से लें तो रियल पार्ट ऑफ जेड टू क्या है, सी, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू क्या है, डी। हमने जो अज्यूम किया है हमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजनरी पार्ट लिख लिए। अब आपसे यूँ कहते हैं कि पहले तुम जेड वन की जेड टू से मल्टीप्लाई करो। तो बेटा जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या लिया तुमने, ए प्लस आयोटा बी। जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया आपने, सी प्लस आयोटा डी। भले ही आप इनको x प्लस आयोटा वाई कुछ भी लो, पर आप यूँ नहीं कह सकते 2 प्लस 3 आयोटा, इस तरह से पर्टिकुलर नंबर नहीं रख सकते। करो बेटा मल्टीप्लाई, यह आएगा ए सी प्लस में आयोटा ए डी प्लस में आयोटा बी सी और प्लस में बी डी आयोटा स्क्वेयर आएगा, और आयोटा स्क्वेयर उस प्लस को क्या बना देगा, माइनस। तो यह आ गया ए सी माइनस में बी डी प्लस में आयोटा कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा ए डी प्लस में बी सी। अब ध्यान से सुनो, ये जेड वन इंटू जेड टू है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई से भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। अगर आपसे यूँ कहा जाए कि जेड वन इंटू जेड टू का रियल पार्ट बताओ, तो जेड वन इंटू जेड टू का रियल पार्ट यानी कि ए सी माइनस में बी डी है। अगर आपसे यूँ कहा जाए कि जेड वन इंटू जेड टू का इमेजनरी पार्ट बताओ, तो इस प्रोडक्ट में आयोटा का क्वेश्चन कौन है, ए डी प्लस में बी सी, तो यही लेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, हम इस ए की जगह रियल ऑफ जेड वन लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि ए क्या था, जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट था। हम सी की जगह रियल ऑफ जेड टू लिख सकते हैं माइनस में, बी क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन, और डी क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ ए जेड टू, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए की जगह क्या लिखेंगे, रियल ऑफ जेड वन। अब डी की जगह क्या लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू। प्लस में बी क्या आएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन, और इंटू में सी क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ ए जेड टू, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपका टॉपिक क्या है कि स्क्वेयर रूट निकालो। जैसे स्क्वेयर रूट तो हम पीछे भी करते आ रहे हैं, भाई 9 का स्क्वेयर रूट है वो 3 होता है, 4 का स्क्वेयर रूट है वो 2 होता है, लेकिन बात हो रही है स्क्वेयर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वेयर रूट निकालना है, वो कैसे करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन टिक कर लेना, 17 क्वेश्चन, सारे के सारे पार्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हम फर्स्ट पार्ट ही लेके चल पड़ते हैं, यू कहते हैं 7 प्लस में 24 आयोटा का स्क्वेयर रूट निकालो। समझ गए या नहीं, 7 प्लस 24 आयोटा का क्या निकालना है, स्क्वेयर रूट। हम मान लेते हैं कि 7 प्लस 24 आयोटा का स्क्वेयर रूट x प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वेयर रूट करेंगे ना तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यानी कि अगर आपने 7 प्लस 24 आयोटा का स्क्वेयर रूट x प्लस आयोटा वाई मान लिया, तो आपको x और y की वैल्यू ही निकालनी है। x y की वैल्यू जैसे ही मिलेंगी उनको यहाँ पुट कर देंगे तो स्क्वेयर रूट आ जाएगा। अब आपका काम है इसे सोल्व करना। देखो बेटा, यहाँ से रूट हटाने के लिए
मैंने बोथ साइड स्क्वेयर कर दिया तो ये तो रह गया 7 प्लस 24 आयोटा, और x प्लस में आयोटा वाई पे होल स्क्वेयर लग गया। और अगर इस x प्लस आयोटा वाई के होल स्क्वेयर को खोल लें तो एक्स स्क्वेयर प्लस में आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आएगा, आयोटा स्क्वेयर से क्या बन गया माइनस, और प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई आ गया। देखो बेटा रूट हटाने के लिए हमने बोथ साइड स्क्वेयर किया, स्क्वेयर खोल दिया, ये आ गया। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो हम वहाँ से रियल पार्ट को रियल के इक्वल रख सकते हैं। राइट साइड में रियल पार्ट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है और लेफ्ट साइड में क्या है 7, तो इक्वेट कर दिया। इमेजनरी पार्ट को जब इमेजनरी से इक्वेट करेंगे तो 2xy जो है ना वो किसके इक्वल होगा 24 के। इसे मैंने कह दिया फर्स्ट इक्वेशन और इसे कह दिया सेकेंड। यहाँ पर बेटा हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखो सिर्फ इसलिए x और y की वैल्यू सोल्व करने के लिए, बाकी कोई ज़रूरी भी नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो यहाँ से y निकाल लो, y की वैल्यू जाके यहाँ पुट कर दो, मेन काम है कि आपको सोल्व करके x और y की क्या निकालनी है वैल्यू। लेकिन अगर आइडेंटिटी यूज़ करते तो उससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखो बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर जो है ना वो इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस में 2xy का होल स्क्वेयर। आप ये 2 से ये जो कैंसिल हो रहा है 24 ये कैंसिल नहीं करना है, अगर आइडेंटिटी से इक्वेशन सोल्व करना है तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस में 2xy का होल स्क्वेयर। आप खोल के देख सकते हो, इस स्क्वेयर को खोल और इन दोनों स्क्वेयर को खोल के सोल्व करो, लेफ्ट साइड किसके ऊपर आ जाएगी राइट साइड। चलो मैं करवा देती हूँ। अगर हम इसका स्क्वेयर खोल दें तो एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आएगा। अगर हम ये स्क्वेयर खोल दें तो एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आएगा, और प्लस में ये क्या बनेगा 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। आप देख लो एक्स की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 4 प्लस में आ गया 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट साइड के। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करके दिखाया, आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा इस आइडेंटिटी के अंदर आ जाओ, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, फर्स्ट इक्वेशन के पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू है तो 7 का स्क्वेयर कितना आएगा 49, प्लस में 2xy है तो 2xy की वैल्यू कितनी है 24, तो उसका स्क्वेयर क्या आ जाएगा आपका 576, और इन दोनों को सोल्व किया तो 625 आ गया। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर 625 के इक्वल है तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 25 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हम फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू 7, और थर्ड हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू 25। देखो बेटा दोनों को ऐड कर दिया तो वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 2x स्क्वेयर इक्वल टू आ गया 32, एक्स स्क्वेयर कितना आ गया 16, तो x क्या आ जाएगा, दोनों ऑप्शन ले लेना प्लस और माइनस दोनों के दोनों, तो ये आ गया हमारे x की वैल्यू प्लस माइनस 4। इस x की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे हम थर्ड में रख रहे हैं, थर्ड हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इक्वल टू 25 है, एक्स स्क्वेयर कितना है 16, तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना 9, तो y क्या आ जाएगा प्लस माइनस में 3। y की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी, दोनों हमने निकाल ली, यहाँ पर ले आओ प्लस माइनस तो ले लो कॉमन, और x की वैल्यू है 4 प्लस में y की वैल्यू है 3, तो क्या आएगा 4 प्लस 3 आयोटा, 7 प्लस 24 आयोटा का स्क्वेयर रूट जो है वो क्या होगा 4 प्लस में 3 आयोटा विद प्लस माइनस साइन। आपको एक बात ध्यान रखनी बेटा, हम जो स्क्वेयर रूट निकाल रहे हैं ना, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप निकाल रहे हो अगर बीच में प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे बीच में प्लस का साइन ही लेके चलेंगे, अगर माइनस साइन होगा ना तो हम बीच में माइनस साइन से ही उसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखो जैसे इसका इक्वेशन आपको दे दिया 5 माइनस में 12 आयोटा है, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है स्क्वेयर रूट, हम इसको लेके चल पड़े एक्स माइनस में आयोटा वाई के इक्वल। इधर से रूट हटाने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया तो 5 माइनस 12 आयोटा इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वेयर खोलेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर और माइनस में 2 आयोटा एक्स वाई। कर दो कंपेयर, रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन। इमेजनरी पार्ट को जब इमेजनरी से करेंगे ना
तो बेटा यहाँ पर माइनस टू एक्स वाई है और उधर माइनस ट्वेल्व है, यही बात ध्यान रखनी है। या तो दोनों साइड से ही नेगेटिव साइन छोड़ देना या दोनों साइड से नेगेटिव साइन उठाना, क्योंकि बाद में वो कैंसिल तो हो जाते हैं आपके। अब यहाँ पे सेम आइडेंटिटी लगा दो, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस में टू एक्स वाई का होल स्क्वेयर रख दो। 5 का स्क्वेयर 25, 12 का 144, ये आ गया 169। तो एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर किसके इक्वल होगा 13 के, ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर लो, एक्स वाई की वैल्यू आएंगी, उनको यहाँ पुट कर देंगे तो ये है आपका स्क्वेयर रूट का टॉपिक।